जय श्री ओम नमः सिद्धिर्या ओम नमः सिद्धिर्या ओम नमः सिद्धि नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्जायाणम नमो लोये सवसाहू। आठ कर्म का नाश कर शोध आठ गुण पाए भये से दनिज ध्यान ते नम मोक्ष सुखदाय। मोक्ष पावड़ अष्ट पावड़ में मोक्ष पावड़ है। स्वतंत्र छह आठ ग्रंथों को इकट्ठा करके अष्ट पावड़ नाम का ग्रंथ बनाया। इसमें छठे ग्रंथ की चर्चा है मोक्ष पावड़। कल रात में तो आपसे कहा था मैं 35वां कलश लूंगा, लेकिन जैसे वो तो मैं अष्ट पावड़ भी ले रहा हूँ, फिर 35वां कलश भी बताऊंगा आपको, है ना। बहुत सुंदर गाथा है। सबसे उत्तम पदार्थ जो शुद्ध आत्मा है वह इस ही देह में स्थित है। सबसे उत्तम पदार्थ लोक में हमें प्रशंसा सुनने की आदत होती है या इच्छा होती है, ये समझ लो। यदि ये कहा जाए खंडवा में आप सबसे अच्छे, ऐसे नगर निगम की द्वारा सर्टिफिकेट दे दिया जाए या क्या अवार्ड हो जाए सड़क पर पूरी खंडवा की पब्लिक के सामने, तो आपको कैसे लगेगा? आपकी पत्नी को खुशी होगी, बच्चों को खुशी होगी, आपको भी लगेगा आई एम ग्रेट। राष्ट्रपति राष्ट्रपति भवन में पूरे इंडिया के सामने, पूरे वर्ल्ड के सामने, हजारों चैनल के सामने यदि कहें कि आप इंडिया के फर्स्ट दी बेस्ट पर्सन है, कैसा लगेगा? सुना, विश्व में तो राजनीति हो सकती है, स्वार्थ हो सकता है, आपसे कुछ काम कराना हो इसलिए सम्मान दे सकते हैं, लेकिन आचार्य कुनकुन स्वामी को आपसे कोई स्वार्थ नहीं। सीमंदर भगवान को समव शरण में विराजे हैं, उन्हें आपसे कोई स्वार्थ नहीं है, और इसलिए वो एक को सर्टिफिकेट नहीं दे रहे। एक को सर्टिफिकेट नहीं दे रहे, क्या सर्टिफिकेट दे रहे हैं? सबसे उत्तम पदार्थ। बताओ कहां है सबसे उत्तम पदार्थ? कि सिद्धालय में, कि तीर्थंकर का द्रव्य, ऐसे आप लगाते जाना है, मैं पढ़ूंगा इसे। इस आत्मा शुद्ध आत्मा है वह इस देह में भी काम चल सकता था, इस देह में, लेकिन नहीं, क्या लिख रहे हैं? इस देह में ही इस देह ही में है, उसको जानो। अब गाथा पढ़ता हूं पूरे 103 नंबर की गाथा है। प्रण में प्रणत जन है जिसे, प्रण में प्रणाम करते हैं कौन, कि प्रणत जन है जिसे ध्यातव्य ध्यावे अनवरत। जिनका हम ध्यान करते हैं ध्यातव्य ध्यान योग्य, वे भी ध्यान करते हैं। ले जिन अरहंत सिद्ध भगवान का हम ध्यान करते हैं वे भी किसी का ध्यान करते हैं। हम जिनको प्रणाम करते हैं वे तीर्थंकर भी किसी को प्रणाम करते हैं। तीर्थंकर किसी को प्रणाम करते हैं? सिद्ध भगवान किसी को प्रणाम करते हैं? ये तो लिखा है यहां पे। थुति योग्य जिसकी थुति करें, आहा, तीन लोग में अरहंत सिद्ध भगवान स्तुति करने योग्य हैं, वे भी जिसकी स्तुति करते हैं। बिल्कुल ऐसी अटपटी गाथा है एकदम। देहस्त वह कुछ जान तू, उसे तू इस देह में स्थित जान। तीन बातें कही हैं, मैं अब इसी में से पढ़ के सुनाता हूं आपको। हे भव्य जीवो, तुम इस देह में ही स्थित ऐसा कुछ जो है उसे जानो। ऐसा कुछ कैसा कुछ है वो हम आगे बता रहे हैं। इसी देह में स्थित है सब, अपने अपने में देखो, इसी में स्थित है, इसी में, तुम ही में।
बहुत अच्छी बात, आनंद में आए ऐसी गजब बात है। कल्पना करो, आप करोड़ों रुपए कमाते हो लेकिन पत्नी से सम्मान नहीं मिलता। हो सकता है खंडवा में मिलता होगा, खंडवा को छोड़ दे। आप इतनी मेहनत करती हो, सुबह 5 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक एक एक व्यक्ति की अवेयर करते हो, खिलाना पिलाना ऐसा वैसा सारे काम करते हो, बर्तन वाली नहीं आए तो बर्तन भी मांज लेते हो, कपड़ा वाली नहीं आए तो कपड़े भी धो लेते हो, इतनी मेहनत करते हो, इसके बावजूद सब आपका कोई आपका यश नहीं करता। जो देखे वही कहता है कोई काम की नहीं हो। बच्चे तक डिसऑनर करते हैं। जो भी हो, मंदिर में आकर के अब आप उन बातों को याद करोगे कि हमें कोई नहीं चाहता, सब हमारी बुराई करते हैं और फिर भी मुझे वहीं रहना पड़ता है। रुक गया मैं थोड़ा सा, अब इधर से पढ़ता हूं मैं। विश्व में कुछ ऐसा सर्वोत्तम पदार्थ है जो तुम हो। अब दो बातों में से कौन सी बात याद रखना चाहिए? 4-6 लोग हमें गलत ठहरा रहे हैं और अनंत ज्ञानी हमें सही ठहरा रहे हैं। सही मतलब उत्तम पदार्थ हो। तुम्हें कब खुश होना चाहिए? 4 व्यक्तियों की बातें सुनकर या ये अनंत भगवान की बात सुनकर? आप सड़क पर जाओ, हम सब आपका सम्मान करें और लेकिन 2 पागल व्यक्ति निकले पागल और भी आपके बारे में कुछ कहें, तो आप मंदिर में आके क्या करोगे ये बताओ? पागल व्यक्ति की बात को याद करोगे या ज्ञानियों की बातों को याद करोगे? कुछ कह दिया मैंने, समझ गए हो तो आज के बाद घर के परिवार के समाज के दुनिया के किसी भी प्रकार के ताने मिले, कटाक्ष हो, कमेंट्स हो, टॉर्चिंग हो, याद नहीं करना। अनंत ज्ञानी ये कह रहे हैं कि तुम 3 लोग के सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हो। क्या लिख रहे थे? सबसे उत्तम पदार्थ है भाई, वो अपने बारे में कह रहे हैं, इस देह में ही है। आप अपना अपना समझो, ठीक है? एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, अब तो नहीं करना पड़ेगी ना तकलीफ, नहीं तो एक दूसरे को सुनाना पड़े, मेरी बहू बहुत हैरान करे छे। वो कह रहे मेरी सास बहुत खराब है। एक्चुअली आप में से कोई खराब नहीं है, लेकिन एक खराबी है कि आप अपने को सास देखते हो, बहू देखते हो, लड़का देखते हो, करोड़पति देखते हो, अरबपति देखते हो। ये तुम्हारी बहुत गंदी आदत है। क्यों? ना करोड़पति अच्छा होता है, ना अरबपति, ना खरबपति। विश्व का सर्वोत्कृष्ट आत्मा पता ना भाई, कौन सी बात अच्छी है? हम तुम्हें भगवान कह रहे और करोड़पति कह रहे, दोनों में से कौन सी बात बड़ी है? अब तुम्हारी गंदी आदत, हम क्या करें? तुम फिर अपने आप करोड़पति देखने लगते हो, फिर तुम अपने को स्त्री देखने लगते हो। जब जब हमारे पंडित साहब के पास, ब्रह्मचारी रविंद्र कुमार जी साहब के पास अक्सर मुमुक्षु आते हैं देश भर के, तो जब बहुत डाइल्यूट हो जाते हैं ना, तो वो अपने प्रॉब्लम सुनाते हैं सब, चाहे महिला है या पुरुष, वो अपनी अपनी प्रॉब्लम सुनाने लगते हैं। कौन सी सुना रहे होंगे वो समझ जावा, क्या बताएं, बस यहां से स्टार्ट होता है। कोई बिजनेस की, कोई बच्चों की, कोई पत्नी की, ऐसे समाज की, सब सुनाते हैं। तो पंडित साहब का उत्तर सुनना है आप सबको, यदि आप उनके पास जाओगे जो क्या उत्तर देंगे वो यही सुना देता हूं मैं आपको। विश्व की कोई भी प्रॉब्लम लेके उनके पास जाओगे तो उनका उत्तर होता है, इसमें क्या आश्चर्य है, बस इतना उत्तर है। यदि तुम कह रहे हो हम घर में दुखी हैं तो इसमें क्या आश्चर्य है, फिर वे कहते हैं आश्चर्य तो यह है कि फिर भी तुम विरक्त नहीं होते, फिर भी तुम्हें वैराग्य नहीं आता। अभी भी तुम्हें सही बताना, आप स्त्री पर्याय में दुखी हो, आप में से कितनी बहने हैं जो प्रतिदिन माला फेरती हूं, भावना भाती हो, ओह हम शुद्धात्मा का अनुभव करके इसी भाव में स्त्रीलिंग छेदेंगे। तकलीफ तभी तो है जब हमने शादी करी है, अगले जन्मों में हम स्त्री नहीं बनेंगे, पत्नी नहीं बनेंगे, हम पति नहीं बनेंगे, हम व्यापार नहीं करेंगे, तकलीफ जब तो है जीएसटी की। मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं जीएसटी से, व्यापार नहीं करना। आप भी भावना भाव यदि प्रॉब्लम है तो अगले जन्मों में कभी करना ही ना पड़े। कब नहीं करना पड़ेगा बोलो? तुम सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हो। आ जब अपने को सर्वोत्कृष्ट पदार्थ मानोगे
तो निंदा निंदा नहीं लगेगी और प्रशंसा प्रशंसा नहीं लगेगी। लखपति करोड़पति क्या तो बड़े तो खुश, अरे साहब देखो मेरी बहुत इमेज है, वैसे तो भले ही पैसा नहीं है इतना मेरे पास, लेकिन समाज में प्रेस्टीज बहुत है। सुन, समाज में धोखा है और तू धोखे में, समाज तो सब जानती है तुमसे काम लेना हो तो लखपति करोड़पति कह देंगे। गंदी कहावत है, लोग की गंदी कहावत, अपना स्वार्थ निकालना हो तो गधे को भी बाप कह देते हैं और जब प्रयोजन नहीं हो तो बाप को भी गधा समझती। इनका इन धोखेबाजों की बातों में मत आना, लेकिन ये धोखा नहीं दे रहे, ये धोखा नहीं दे रहे। क्या मुझे बहुत ही, आज सुबह इसकी स्वाध्याय थी एक्चुअली मेरी, जैसे ये स्वाध्याय में गाथा आई तो मैंने फिर वो वाली बात छोड़कर मैं यही समझाऊंगा आज कंटिन्यू। मेरा स्वाध्याय चल रहा था, आज सुबह उठ के यही स्वाध्याय किया। ओह, सबसे उत्तम पदार्थ, राष्ट्रपति तारीफ करे तो कैसा लगेगा? अब तीन लोग के नाथ तेरी प्रशंसा कर रहे। स्वामी जी की मुखारविंद से जब ये बात सुनी, समो शरण में 100 इंद्रों की हाजिरी में, याद आ गया होगा सबको, 100 इंद्रों की हाजिरी में भगवान तुम्हें भगवान कहकर के बुलाते हैं, बुलाते हैं। जिसका ट्रांसलेशन फिर अभय कुमार जी ने किया भजन में, विदेह क्षेत्र में सीमंदर देवा, सीमंदर देवा युगमंदर देवा, भगवान कहीं ने बुलाए रयो रे, पामरपने क्यों जी रयो रे। पामरपने जीने का मतलब समझते हो? आप पामरपने से जी रहे हो कि करोड़पति बने से जी रहे हो? अरे पंडित जी हम पामर हैं, बहुत बड़ी हवेली है हमारी, पैसा है, पत्नी है, बच्चे हैं, बहुत इज्जत है, बहुत, यही तो पामरता है। यही पामरता है। एक भगवान आत्मा स्वाधीनता से अनंत काल जीवित रहे, अपने आनंद के बल पर जीवित रहे, अपने में रमण करती हुई जीवित रहे, जिसे एक परमाणु मात्र की अपेक्षा ना हो और वो अपेक्षा से जी रहे। 100 लोगों ने तुम्हें अध्यक्ष कह दिया तुम अध्यक्ष हो गए, और 100 लोगों ने अध्यक्ष नहीं, 100 में से 5 लोगों ने कह दिया इन्हें अध्यक्ष नहीं बनाना था, अब 95 ने बनाया उसका आनंद खत्म। ये है क्या? ये पामरता है, ये दृष्टांत। ऐसी तुझे करोड़ रुपया, अरब रुपया, खरब रुपया बिल्डिंग की याद आती है अपनी प्रभुता के नाम पर, ये पामरता है। स्वामी जी ने लाइन किसके लिए कही थी? पामरपने क्यों जी रहे हो है, कौन से लिए कही थी यार? गरीबों के लिए, बीमार लोगों के लिए? नहीं नहीं, जो पर के बल पर अपनी प्रभुता देखते हैं ये पामर है। भगवान आत्मा अंतर में प्रभु है। प्रभु है का मतलब समझते हो? प्रभु है का मतलब समझते हो? एक प्रभुत्व शक्ति है, 47 शक्तियों में एक प्रभुत्व शक्ति है। उस प्रभुत्व शक्ति के कारण ये जीव त्रिकाल प्रभु है। क्यों प्रभु है? क्यों प्रभु है? क्यों? क्योंकि इसे जीवित रहने के लिए पर की जरूरत नहीं पड़ती। ये स्वतंत्रता से जीता है, अपने प्रताप से जीता है। आत्मा को कोई पराधीन नहीं कर सकता। तो साहब अभी तो प्रभु नहीं है अपन, अपन तो अभी कर्मों ने बांध रखा है अपने को। बोलो भैया, कर्म के बंधन में और कर्म के उदय में आप प्रभु हो? बोलो कछु। स्वामी जी कहते थे कर्मों के बंधन के काल में भी ये प्रभु है, क्योंकि कर्म इसे नहीं बांध पाए, कर्म इसे पराधीन नहीं कर पाए, लेकिन ये स्वयं अपनी योग्यता से पराधीन अनुभवता है। क्या बोला, क्या बोला? कर्म की, कर्मों ने बांधा नहीं, शरीर में दम नहीं है, शरीर में अभी भी शरीर में दम नहीं है, शरीर में ताकत नहीं है जो इतने बड़े प्रभु को बांध के रख सके। स्वामी जी की भाषा में कहो तो छू नहीं सकता, अड़तोज न थी। कर्म और शरीर में ताकत नहीं है जो मेरे को छू सके, ये अभी भी प्रभु है। तो स्वामी जी ऐसे कहते थे, ये विकार करने में भी प्रभु है, चार गति में कोई ले नहीं गया, ये चार गति में जाने में भी प्रभु है। नहीं आई समझ में? हा, स्वयं
अंतर्मुख होके परिणमित हो तो प्रभु तीन लोक का नाथ बन जाए, अरन सिद्ध हो जाए, अनंत आनंद मूर्ति हो जाए, और ये अपनी अपनी योग्यता से स्वयं अपनी आराधना ना करे, अंतर्मुख ना हो तो बहिर्मुख होकर के अपनी वीर शक्ति के द्वारा ये निर्मल पर्यायों की रचना की बजाय दुख की रचना करता है। इसमें भी प्रभु है, विवाह करने में भी प्रभु है। ध्यान रखना, एक द्रव दूसरे द्रव को कुछ करा सकता? अब इसी में से पढ़ के सुनाता हूं आपको, इसके बीच में मैं पंडित साहब की रचना की दो पंक्ति गाता हूं आपको, लिख बहुत अच्छा गुरुदेव श्री ने जो फरमाया था वो पंडित साहब ने रचना लिखी है बहुत जोरदार। निज प्रदेश रूपी किला है, प्रभुता बता रहा हूं, प्रभुता है, ध्यान रखना। निज प्रदेश रूपी किला है, जो कभी ना किसी से विदा है, कर्म राग आदि भी रहते बाहर। कौन 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 बोलो भैया बोलो, कौन? कर्म और राग आदि भी, और भी क्या करके मतलब, कर्म माने द्रव कर्म और राग आदि माने भाव कर्म, और भी में कौन आया कि नौ कर्म, कर्म राग आदि भी रहते बाहर, पेट पाए कदापि न अंदर, अंतरंग में सदा विकारी। मैं खींचता इसलिए हूं कि आपको पूरा फोकस हो जाए। अंतरंग में कभी कभी है क्या, कब बोला था, कब? अंतरंग में सदा विकारी, आज अद्भुत छवि निज निहारी। जी सम्यक दर्शन, आज अद्भुत छवि निज, ओ भगवान आज तो आनंद आ गया, कौन है जो मुझे छूता है, सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है। अभी एक बहन कह रही थी, हो सकता है वो आई भी हो कि नहीं आई मुझे पता नहीं, वो बोल रही थी मन को बस में कैसे करें, हो गया मन बस में, ले जब तक मन का विषय ये है तब तक आप हारोगे। बताओ सर्वोत्कृष्ट आत्मा को सर्टिफिकेट किसने दिया? अनंत भगवान ने। अब इनकी माने कि इनकी माने, जी बता। आप 1 करोड़ का हीरा लाओ और हिंदुस्तान की जो लेबोरेटरी हो, जो भी उसको सर्टिफाइड करती हो, उसने सर्टिफाइड कर दिया कि ये 10 करोड़ का है, लेकिन सब्जी मार्केट में गए तो वहां सब मना कर रहे थे तो कांच का टुकड़ा है, तो बेवकूफ हो, ठगा गए। 10 करोड़ में कितनी मिर्ची आ जाती 10 करोड़ में कितनी मटर का टर्नओवर हो जाता, 10 करोड़ में हम कहां से कहां गेहूं बेच देते, तुम इतना सा टुकड़ा लिए घूम रहे हो अंगूठी में। तो तुम बताओ इनकी बात सुनकर के दुखी हो गए या एक का सर्टिफिकेट पर्याप्त है? बोलो तो आज आनंद हो जाए आ जाओ। लेकिन दिक्कत यही है, अनंत भगवान का सर्टिफिकेट फेल, और पति देवता का, पत्नी देवी का, बच्चों का, पड़ोसी का, देरानी का, जेठानी का और सास का, इतने ही तो सर्टिफिकेट सेंटर है, ज्यादा वो तो ग्राहक का, ज्यादा वो तो कॉम्पिटिशन जिससे चल रहा हूं मार्केट में उससे। मतलब तुम किसके सर्टिफिकेट याद कर रहे हो? कर्म राग आदि भी रहते बाहर, पेट पाए कदापि न अंदर, अंतरंग में सदा सदा। जिस समय आपको लगे मैं कितना बिकारी हूं कितना बिकारी हूं, झट याद करो भगवान क्या बोल रहे हैं, अंतरंग में सदा अविकारी, भाव दूर भगे सब विकारी। अब मैं इसमें से पढ़ता हूं, नहीं तो आपको लगेगा आप गप्पे ठोक रहे हो मैं इसमें से पढ़ता हूं। हे भव्य जीवो, तुम इस देह में ही स्थित ऐसा कुछ जो है उसे जानो, कैसा है, कैसा है
लोक में जो नमने योग्य इंद्रादि हैं उनके द्वारा तो नमने योग्य है। इंद्रादि भी जिसको नमते हैं ना वो होतम इंद्रादि जिसको नमते हैं माने वो अनंत भगवान को कौन नमस्कार करता है? इंद्र भगवान, इंद्र नमस्कार करता नहीं, इंद्र अनंत भगवान को नमस्कार करता है, ठीक है, वो तो तुम हो। और जो ध्यान करने योग्य तीर्थंकर आदि परमेष्ठी हैं उनके उनके द्वारा निरंतर ध्यान योग्य है। जो तीर्थंकर आदि है ना, इंद्र ने किसको नमस्कार किया? तीर्थंकर को। और तीर्थंकर किसको झुके? आत्मा को, मैंने उस आत्मा का ध्यान करती है जिसके बल पर वो पंच परमेष्ठी बनी। अगली गाथा भी समेट दी मैंने इसमें, जिस आत्मा के ध्यान के बल पर वो पंच परमेष्ठी बने। आगे देखो फिर क्या कह रहे हैं, उनके द्वारा निरंतर ध्यान योग्य और जो स्तुति करने योग्य तीर्थंकर आदि हैं, तीर्थंकरों की स्तुति करते हैं अपन, उनसे स्तुति करने योग्य। ले तीर्थंकर कौन की स्तुति करते हैं समोसरण में, जल्दी बोलो। स्तुति समझते हो, गुणगान, महिमा का बखान कौन करता है समोसरण में, कौन करता है? अरे बोलो ना, बोलो। बारह सभा के जीव गुणगान करते हैं, तो बारह सभा के जीव, सोलह है ना, बारह समोसरण की बारह सभाओं में सब अनंत भगवान की तारीफ करते हैं, पूजा करते हैं। और वे किसकी तारीफ करते हैं? अपना तो दिमाग ही नहीं जाता, कभी सोचे ही नहीं था ऐसा जो इस गाथा में लिखा है कि हम सब मिलके अरंत भगवान माने तीर्थंकरों की स्तुति करते हैं, बारह सभा के जीव। फिर उनकी दिव्य ध्वनि खिली, वे किसकी प्रशंसा करती हैं? क्या कमाल है, बारह सभा के जीव जिनकी प्रशंसा करते हैं फिर वो मेरी प्रशंसा करती हैं। अब दिक्कत है, आप ये मानते हो अपने, दिक्कत तो ये है, कल रात की भाषा में कहो तो हरे केला और पीले केला मानते हो जबकि केला तो सफेद खाया जाता है रात का दृष्टांत दिया था ना, तो हरे पीले को देखते हो, माने पैकिंग को देखते हो जी, क्या कौन दिखाई दे रहा है जी, कौन दिखाई दे रहा है जी, जोर से बोलो, पैकिंग। अब तुम पैकिंग हो कि माल हो देखो क्या कह रहे, तीर्थंकर आदि हैं उनसे स्तुति करने योग्य। ओहो तीर्थंकर भी जिसकी स्तुति करते हैं, ऐसा जो कुछ है सो इस देह में ही स्थित है, उसको यथार्थ जानो, उसको यथार्थ, यथार्थ माने अर्थ माने वस्तु, यथा माने जैसी, यथार्थ माने जैसी वस्तु है वैसा जानो। अब मैं इसमें इतने कह सकता हूं कि मैं तो अपनी ताकत लगा के पूरा बोलूंगा जोर जोर से, लेकिन आप सच में जब तक डिसीजन नहीं हो जाए घर मत जाओ, पूछ के जाओ, नहीं ऐसे कैसे, आप तो ठोक रहे हो, प्रूफ करो, हम प्रूफ करेंगे, उसमें क्या बात है। यथार्थ जानो, क्या सचमुच आत्मा ऐसा है कि तीर्थंकर आपकी स्तुति गा रहे हैं? आपको ऐसा नहीं लग रहा आचार्य कुनकुन स्वामी आपकी महिमा गा रहे हैं? अब दिक्कत है, यदि यहां लिखा होता ना कमलाबाई, ओ दिख मेरी तारीफ, कमलाबाई खंडवा फ्लैट नंबर 25 रेलवे रोड, रेलवे स्टेशन रोड, ओ 2000 साल पहले आचार्य कुनकुन स्वामी मेरे को जानते थे, उन्होंने लिखा, उन्होंने क्या कहना चाहिए, पैकिंग और पैकिंग का एड्रेस की तुम्हें महिमा आती है, वे तुम्हारे गीत गा रहे हैं, तुम्हें अभी भी नहीं लगता, अभी भी लगता है अपन बहुत हल्की क्वालिटी की आत्मा है। तो तारीफ करते, चलो पढ़ो, जो शुद्ध परमात्मा है, अभी तक तो बोला था आत्मा, अब बोल रहे हैं जो शुद्ध परमात्मा है वह कौन, परमात्मा कौन है बोलो तो जोर से, कौन? पीछे वाले बोली नहीं रहे, क्या बात, गलत बोल रहा हूं तो हाथ खड़ा करो तो मैं सही कर दूंगा या तो आप हाथ खड़ा कर दो तो मैं गलत हो तो सही करूं, और नहीं तो बोलो कौन मैं, ठीक, जो शुद्ध परमात्मा है। क्या कमाल है, परमात्मा कह रहे थे तो ही बहुत थी, परमात्मा को भी एक विशेषण और, आपको पता है परमात्मा बोलने के साथ साथ शुद्ध लगा दिया इसमें, ऐसे पढ़ो शुद्ध परम आत्मा, तो आत्मा तो कॉमन थिंग है और दो विशेषण है, जरा इसे समझ लो आप।
आत्मा एक कॉमन है, माने हम सब आत्मा है, अनादि अनंत आत्मा है, त्रिकाली है, तो आत्मा तो दे रही। अब इसमें दो विशेषण, एक परम और एक शुद्ध, तो दो विशेषण लगाने की क्या जरूरत थी? ध्यान रखना, सिद्ध भगवान के बारे में शुद्ध परमात्मा नहीं लिखा कभी, अनंत भगवान के बारे में शुद्ध परमात्मा नहीं लिखा, पकड़ो पॉइंट। और इस आत्मा के लिए शुद्ध परमात्मा लिखा, कायदे से तो वे पर्याय से भी शुद्ध हैं, पर्याय से भी शुद्ध है अनंत सिद्ध भगवान, तो उन्हें कहना चाहिए शुद्ध परमात्मा। तो फिर एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती कि जिस शुद्ध वाले सिद्ध हैं तो फिर अशुद्ध सिद्ध कौन से हैं? पॉइंट पकड़ में आया कोई? जैसे यहां पर दो गिलास पानी रखा हो, पंडित जी जिस शुद्ध पानी है तो फिर ये पानी पर क्या शंका होगी? तो ये अशुद्ध होगा। पंडित जी शुद्ध भोजन है, मैंने इतने सारे आइटम रखे ना, ये शुद्ध है, तो अब क्या हो जाएगा? तो यदि हम कहते ना महावीर भगवान शुद्ध सिद्ध हैं, तो आपको पूर्ण प्रश्न क्या खड़ा हो जाएगा? अच्छा तो बाकी के? इसलिए उनको परमात्मा तो कहा लेकिन शुद्ध नहीं कहा। ठीक, अब इधर देखो, अपन इसको शुद्ध भी कहा और परम भी कहा, तो मैं दोनों अर्थ करना है मुझे, शुद्ध के भी और परम के भी। सभी लोग ध्यान से सुनना है ना, पहले परम समझा दूं, पहले परम समझा दूं। परम ये विशेषण है, अच्छा क्या कह रहे हैं, परम श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम, श्रेष्ठतम है ना, डिग्री कहलाती, क्या कहलाती है, सुपरलेटिव डिग्री होती नहीं, श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम, ऐसे परम ये डिग्री है। आत्मा कैसा है कि वो परम है, ध्यान रखना, पर्याय में परम नहीं कह रहे इसको, अभी पर्याय में तो सिद्ध भगवान परम है, जिसको नियम साजी की भाषा में कार्य परमात्मा और ये कारण परमात्मा, बराबर है। वो कार्य माने उनका तो 100% द्रव्य भी शुद्ध है, गुण भी शुद्ध है और पर्याय भी शुद्ध हो गई, तो वे परमात्मा है माने पर्याय की अपेक्षा से, और तुम्हें परम क्यों कह रहे हैं फिर? तो ध्यान से सुनने की बात है, तुम्हें परम पर्याय की अपेक्षा से नहीं कह रहे हैं, तुम्हें परमात्मा इसलिए कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए सर्वोत्कृष्ट हो। क्या बोला हमने? तुम्हारे लिए सर्वोत्कृष्ट हो, विश्व में तुम्हारा जैसा सर्वोत्कृष्ट दूसरा तुम्हारे लिए नहीं है। क्या बोले कोई समझ में आया कुछ? दुनिया में तुम्हारे लिए तुमसे बढ़िया सर्वोत्कृष्ट कोई नहीं है, इसके लिए यहां पर लिखा है विशेषण परम। तो मैं समझाता हूं, बताओ सम्यक दर्शन कब होता है, अपनी आत्मा की श्रद्धा से या सिद्ध भगवान की आत्मा की श्रद्धा से? बताओ, आपको सिद्ध भगवान की आत्मा 100% प्योर है तो उनकी प्रतीति करने का नाम सम्यक दर्शन है या अपनी आत्मा की प्रतीति करने का नाम सम्यक दर्शन? चलो, पंचम गुण स्थान उनकी प्रतीति से बढ़ता है कि इधर से इधर की प्रतीति से बढ़ता है? अब मुनि दशा उनके ध्यान से होती है कि इसके ध्यान से होती है? श्रेणी में ध्यान उनके ध्यान से होता है इसके ध्यान से होता है? केवल ज्ञान उनके ध्यान से होता है इसके ध्यान से होता है? बताओ, अब सुन, 4 गति 84 लाख योनियों का अभाव और सम्यक दर्शन से लगाकर सिद्ध दशा तक वो सब तेरे आश्रय से होता है, इसलिए तेरे लिए तू ही विश्व में सबसे महान है। पॉइंट पकड़ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? आ गया? फिर से, किस आत्मा के ध्यान से सम्यक दर्शन होता है बताओ? अपने हाथ अपने ना, तो अब बताओ केवल ज्ञान किसके आश्रय से होता है? पक्का? जब अपने ही आश्रय से सब हो रहा है तो ये बताओ, इस तीन लोक में अनंत सिद्ध भगवान की आत्मा मेरे लिए सम्यक दर्शन में श्रेष्ठ है, पंच परमेश्वर की आत्मा श्रेष्ठ है या मेरी आत्मा मेरे लिए श्रेष्ठ है? अब तो समझ में आ गया, इसलिए हेडिंग क्या लिखा था? सबसे उत्तम पदार्थ, सबसे उत्तम पदार्थ वह इसी देह में है। कठिन तो नहीं लग रहा? परम का मीनिंग समझ में आया? परम क्यों? अभी बोलो, डाउट हो तो अभी पूछो।
परम का मतलब समझ में आ गया। अब आगे चलो पंडित जी, अनंत सिद्ध भगवान भी तो परमात्मा है, ध्यान से सुनना, अनंत सिद्ध भगवान भी तो परमात्मा है, आप उनका निषेध क्यों कर रहे हो? कि अब सुन, जब तक, ध्यान से सुनना, जब तक तू इस परमात्मा में लीन नहीं हो तब तक वे तेरे लिए परमात्मा है। क्या बोला हमने, क्या बोला? जब तक तुम इस परमात्मा में लीन नहीं हो जाते हो, मग्न नहीं हो जाते हो, तब तक छठे गुणस्थान तक वे तेरे लिए परमात्मा है। तो क्यों? क्योंकि दुनिया में किसी की भी ओर देखोगे ना, वो तुम्हारी ओर रिटर्न नहीं करेगा। कुछ समझ रहे हो क्या कहा? वो तुम्हें तुम्हारी ओर रिटर्न नहीं करेगा, लेकिन पंच परमेश्वरी ऐसे हैं, अनंत सिद्ध भगवान ऐसे हैं, जब उनका ध्यान करोगे तो वे रिटर्न कर देंगे आपको। तेरा परमात्मा तेरे अंदर है, तू ही है, हमारी ओर मत देख, अपने में लीन हो जा। पत्नी कहेगी ऐसा? आप जरा पत्नी की महिमा करो, जाओ घर जाके। तो पत्नी बोलेगी, नहीं नहीं, मैं तुम्हारी आराध्य नहीं हूं, मैं तुम्हारी कुछ नहीं हूं, तुम्हारे लिए तुम ही हो, मेरी ओर मत देख। कहेगी? वो तो कहेगी, हाँ बहुत बढ़िया, आज तो बहुत बढ़िया दिन है। आज तो पति देवता कह रहे हैं कि तुम्हारे बिना मेरा जीवन नहीं, तुम हो तो मेरा घर स्वर्ग है, तुम नहीं होते तो पूरा घर नरक हो जाता। तो वो तो ऐसी खुश हो रही होता। बोला बच्चों के पास जाओ, पापा पापा बाजार चलो, खिलाओ पिलाओ, जो उन्हें। मैंने आपके लिए सही बताना, इस दुनिया में आप जिसकी ओर देखोगे वो आपको आपकी ओर रिटर्न नहीं करेगा। जब तक आप अपने में लीन नहीं हो जाओ तो अनंत सिद्ध भगवान आपके लिए देखने लायक परमात्मा है। ये कार्य परमात्मा है और ये कारण परमात्मा है। थोड़ी अच्छी टेक्निकल भाषा में कहें तो तुझे भी यदि कार्य परमात्मा बनना है, कार्य परमात्मा मतलब अनंत सिद्ध बनना है, तो तू इनकी ओर दृष्टि करके इन जैसे ही कारण परमात्मा का अनुभव कर दे, तू भी कार्य परमात्मा बन जाएगा। लेकिन कठिन शैली लग रही हो तो सिंपल बात है, तुझे भगवान बनना हो तो इनकी ओर देख, और इनकी ओर देखते देखते अपनी ओर देख। एक दृष्टांत दे देता हूं, क्योंकि जो लोग नए हों उनके लिए तो थोड़ा कठिन पड़ रहा हो, कार्य परमात्मा कारण परमात्मा क्या उन्होंने क्या है, अभी तो अपन आदमी समझ ले यही बहुत है। हाँ, ऐसा भी लोगों को लगता है, इंसान तो बन जाओ, भगवान तो बात की बात है। आपने देखा है दुनिया में क्या कहता है, नकल की दुनिया है। नकल समझते हो? नकल, नकल की दुनिया समझते हो? देखा देखी करना। तो पूरी दुनिया ऐसी है, ये बहुत अच्छी साइकोलॉजी है, बहुत अच्छी साइकोलॉजी है कि देखा देखी करना। और इसीलिए हम कहते हैं रोजाना प्रतिदिन सुबह उठ करके सबसे पहले भगवान को देखो, उनकी देखा देखी करो। समझ में आया नहीं आया? जैसे सुबह सुबह पापा कुल्ला कर रहे हो तो बच्चा देखा देखी क्या करता है, वो भी कुल्ला करने लगता है। पापा चाय पी रहे हो तो मम्मी, नहीं बेटा चाय गंदी बात है, दूध पियो, तो पापा गंदे। यदि पापा पियेंगे तो, और यदि मेरे को दूध अच्छा है तो पापा को भी। मैं तो ये कहना चाह रहा हूं, जिसको देखते ना, किसी घर जाओ आप और बढ़िया सोफा सेट हो, आपको देखते से लगता है अपन ही चाहिए। साड़ी देखते तो साड़ी खरीदने की इच्छा होती है, मैंने ऐसे लगा लेना। आपके जो कुछ देखते हो उसे अपनाने की इच्छा है। इसीलिए जैन शासन में प्रातः काल उठकर सबसे पहले पंच परमेश्वरी का ध्यान और उन्हीं का स्तवन, उन्हीं का प्रक्षाल, उन्हीं का पूजन, सब कुछ उन्हीं का। क्यों? क्योंकि तुम्हें देखा देखी करने की आदत है। ये तो मैंने समझाया, अभी मुझे इसे एक कदम आगे बताना है। सुनो, भगवान को देखने मत जाओ, भगवान को देख करके देखने जाओ। क्या क्या बोला, क्या बोला? भगवान को देखने मत जाओ, भगवान किसे देख रहे हैं वो देखो। भगवान तुम्हारी तरफ नहीं देख रहे, तुम भी उनकी तरफ मत देखो। भगवान अपनी आत्मा में देख रहे तो तुम भी। अब नहीं समझ में आए तो पूछो, प्रभु मार्ग क्या है? आप अंदर ही अंदर देख रहे हो, आप आत्मा में लीन हो तो कैसे लीन हो? आपका मन वचन काय बस में कैसे हो गया? तो उनकी वाणी सुनो और फिर वाणी सुनकर के समझ जाओ मैं ही सर्वोत्कृष्ट हूं।
क्या निकला? सर्वोत्कृष्ट हूं। दृष्टांत देता हूं, चलो और कुछ नहीं। डफर सिस्टम होता है ना, खड़े खड़े खाते हैं लोग, डफर लोग जो भी हो। तो अब कहीं करेले की सब्जी रखी हो, करेले की सब्जी, ऐसे ऐसे खराब सब्जी है, और एक जगह बहुत बढ़िया आइटम हो, बहुत ही बढ़िया दी बेस्ट आइटम हो, तो सारे लोग कहां जाएंगे बताओ? कहां जाएंगे? बहुत सारी पेंटिंग लगी है, सब खराब खराब है, एक पेंटिंग बहुत बढ़िया है, तो सब लोग कैसे देखेंगे बार बार? बोलो। इसका मतलब है जो सबसे अच्छी होती है वहीं पर नजर टिकती है। तेरा आत्मा तीन लोक में सर्वोत्कृष्ट है, तू स्वाध्याय करके इतना समझ जा, इसके बाद तेरा मन चलायमान नहीं होगा, भंग नहीं होगा, तेरा मन जो भागता है ना वो नहीं भागेगा, कहीं नहीं जाएगा, तेरा मन इसी में लग जाएगा। कितनी बढ़िया गाता है, बोला, ओ हो विश्व का सर्वोत्कृष्ट पदार्थ तू ही है, तेरे इसी देह में है, इसी देह में है, जब तक नहीं समझ में आया तो समझो, पढ़ करके भी ये समझो मैं सर्वोत्कृष्ट हूं। पंडित साहब की तो रचनाओं में बहुत बहुत अच्छी अच्छी पंक्तियां आई, दो पंक्तियां याद आ रही मुझे सर्वोत्कृष्ट पढ़ने के बाद। सर्वोत्कृष्ट निज प्रभु तज कर कहीं न जाऊं, जिन बहुत धक्के खाए। चार गति 84 में कितने धक्के खाए? जिन बहुत धक्के खाए, बेश्राम निज में पाऊं, हो नमन कोटि प्रभु, शिव सुख डगर बताई। बहुत धीरे गाया, अर्थ करने की जरूरत नहीं है। हो नमन कोटि व्यवहार क्यों? क्योंकि आपने हमें सर्वोत्कृष्ट बताया, भगवान ने क्या बताया? सर्वोत्कृष्ट निज प्रभु तज कर कहीं न जाऊं। अब मेरा मन कहीं नहीं भाग रहा, बहुत अच्छी अच्छी पंक्ति है इसकी। हे देव, दर्शन करते समय, हे देव आपको लख, लख माने देखकर, खुद ही हुआ कामी। अकामी समझ गए? नो डिजायर, अब कोई इच्छा नहीं रही। ध्यान से सुनना, ध्यान से, श्रीमद जी ने भी लिखा है और अन्यत्र भी है, लेकिन श्रीमद जी की याद आती है मुझे, उन्होंने लिखा है, यदि तुम्हें भगवान को देख करके कुछ इच्छा रह जाए तो समझना तुमने भगवान के दर्शन नहीं किए। हे देव आपको लख, खुद ही हुआ कामी। अब कोई काम नहीं, शेष नहीं रही। आपको तीन लोग की संपत्ति मिल जाए, इसके बाद क्या चाहिए? बिरला की अंबानी की? अरे बोलो ना गजब है। जब आपको तीन लोग की सब कुछ मिल गया, अब आप क्या चाहिए? हे आस पर की झूठी, रात्रि की भाषा में, मैं पूर्ण निधि का स्वामी। याद है, रात वालों को याद होगा, डकैती पड़ी थी लेकिन हमारा कुछ बिगड़ा ही नहीं। पर्याय हीनता से, जो रात में आए होंगे उंगली देख के समझ रहे होंगे, रात वाले समझ गए होंगे, पर्याय हीनता से मुझ में कमी न आई, हे शांत छवि तेरी अंतर में है समाई, प्रत्यक्ष देख मूरत
शांति हृदय में छाई। पूरा ही भजन अच्छा है, मैं जब गाने बैठ जाता हूं ऐसा लगता पूरा ही गाऊं। मम भाव अभाव शक्ति, 47 शक्तियों में मम भाव अभाव शक्ति पामरता मेट देगी। अभाव भाव शक्ति प्रभुता विकास देगी। निश्चिंत हो ये दृष्टि, निश्चिंत हो ये दृष्टि, निज द्रव्य में रमाई। ऐसा ऐसे अद्भुत भगवान हो तो हम अब लोग क्या करते हैं, इसे तो जानती नहीं ना, इसका निर्णय करती। ध्यान से सुनना, स्वाध्याय भी इसलिए करती, चलो एक घंटा पढ़ लो भैया, शास्त्र पढ़ना चाहिए, आचार्यों ने लिखी है बताओ। अब कोई पढ़ता तो है नहीं आजकल, अपन भी नहीं पढ़े तो इनको क्या हुई है, बुंदेलखंडी इनका क्या होगा। ठीक है भैया, आजकल की सारी समाज खराब है, जैन समाज को ना आचार्यों की महिमा आती, ना ग्रंथों की महिमा आती, ना भगवान की महिमा आती। भैया हमें पूजा प्रक्षाल कर लेते, नहीं तो कहा मालूम क्या हुई है इन भगवान को। इसे क्या लगता है, इन अनंत भगवान का पुण्य छीन हो गया, इसलिए मैं इन पे दया कर गया अभिषेक कर देता हूं, पूजा कर लेता हूं। दया आती मुझे तो भगवान पे और इन जिनवाणियों पे, आचार्यों पे, आखिर कोई तो पढ़े कम से कम, कैसी दया की बात है। ऐसी बात करो, अब सुमत प्रकाश जी बेचारे खंडवा आए, अब बेचारे कच्ची नहीं पूछ रहा तो कम से कम पानी हमें ही पिला दे, ऐसी दया जैसी बात है। तो पंडित साहब ने इसके लिए बहुत अच्छा जवाब दिया, बहुत अच्छा। जिनवाणी कभी इस बुद्धि से पढ़ोगे तो अनंत पाप होगा। भगवान के दर्शन पूजन प्रक्षाल में यदि ऐसी बुद्धि से आप करते हो तो अनंत पाप होगा, दर्शन मोह का बंद है। तुम्हारी वजह से भगवान की महिमा नहीं है, भगवान स्वयं महिमाशाली है। एक व्यक्ति पूजा नहीं करे तो महिमाशाली है, तुम अपनी महिमा नहीं जानते तो भी तुम महिमाशाली हो। अनंतानुबंधी का बंद होता है, ऐसा बोला उन्होंने। अब मैं थोड़ा खुलासा करता हूं, अभी समझ में नहीं आया होगा आपको, मैं जानता हूं ऐसे बहुत लोग होंगे अब हम आप में से जो पढ़ते भी हैं तो एहसान के साथ, चलो अपन ही पढ़ लो चलो अपन ही दर्शन कर आए, नहीं तो आजकल भगवान के कौन पूछता है सुबह तो थोड़े बहुत पूछ ही जाते हैं, शाम को तो वे भी। तो मैं उसका उत्तर देता हूं, पंडित साहब ने जो उत्तर दिया सुनने जैसा है। ये तो ऐसी बात हो गई, बताओ यदि हम ऑक्सीजन नहीं लें, श्वासोच्छ्वास नहीं करें तो बेचारी ऑक्सीजन का क्या हो। नहीं नहीं समझ में है, हम तो पंडित जी इसलिए पानी पीते हैं कि यदि हम पानी नहीं पिएंगे तो बेचारी पानी का नदियों का क्या होगा। समझ में आ गया नहीं समझ में आया, तो पंडित साहब मालूम क्या बोले, तू पानी इसलिए मत पी कि उनका क्या होगा, तू ये सोच कि पानी नहीं पिएगा तो तेरा क्या होगा, तू ऑक्सीजन नहीं लेगा तो ऑक्सीजन का कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन तू ऑक्सीजन नहीं लेगा तो ऐसे ये शास्त्र पढ़कर हम अपनी सर्वोत्कृष्ट सत्ता का निर्णय नहीं करेंगे तो हमारा क्या होगा। इतनी आनंद की गाथा है, इतनी आनंद की गाथा है कि तुम लोग अभी भी पिक्चर जिनके दिमाग में होनी लाखपति बनने की, करोड़पति बनने की, तो भी अभी बेचारे दुखी बैठे होंगे इधर। पंडित जी टाइम देख लेना, घड़ी में दुकान जाना है, फला करना है, ये करना है, वो करना है, बहुत बड़ा टारगेट है, उम्र घटती जा रही है, मैं कब बनूंगा। आई समझ में आया, लेकिन आज तुम्हें वो तुम्हें तुम्हारा सर्वोत्कृष्ट पदार्थ समझाया जा रहा है। बस स्वाध्याय करो तो इस आशा से करो, इस निर्णय के लिए करो, अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। पढ़ो, जो शुद्ध परमात्मा है, अब शुद्ध रह गया था ना परमात्मा तो बता दिया, अब तो गड़बड़ नहीं है परमात्मा में। परम इसलिए कहा कि उसी के बल पर तेरा काम होगा, वही सर्वोत्कृष्ट है, उसे तू निहार। बराबर, अब शुद्ध क्यों कहा, कि शुद्ध इसलिए कहा कि तुझे अशुद्ध लगता है। समझ में आ रहा है कुछ, आत्मा शुद्ध क्यों कहा जा रहा है, कि तुम्हें मोह राग द्वेष के कारण अशुद्ध लगता है, मोह राग द्वेष के कारण अशुद्ध लगता है, और मोह राग द्वेष को अशुद्ध कहा गया है। मोही रागी द्वेषी जीव को कल तीन पढ़ाए थे ना, तीन तरह के जीव,
मोही रागी द्वेषी जीव को अशुद्ध कहा जाता है, लेकिन इस अशुद्धता के होने पर भी ये अशुद्ध नहीं होता, इसलिए इसको शुद्ध कहा। पॉइंट पकड़ो, पर्याय में आपको शुद्ध नहीं कह रही, त्रिकाली ध्रुव की अपेक्षा से शुद्ध कह रही। रात को पढ़ाया था भैया, कल रात को जो आ गए उन्हें तो समझ में आ रहा होगा, जो रात को नहीं आए उन्हें कल का बहुत कीमती प्रवचन है, जिंदगी भर के लिए मास्टर की है वो। फिर से कहता हूं, मोह राग द्वेष पर्याय में है, उस अपेक्षा से तो तुम अशुद्ध जीव हो, लेकिन उसी समय त्रिकाली ध्रुव हो, इसी के आश्रय से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होगा, इसी में रमणता करोगे, इस आश्रय कारण से यहां कोई कमी नहीं आई। पर्यायहीनता से मुझ में कमी न आई, इसलिए इसको शुद्ध कह रहे। तेरी दृष्टि अशुद्ध पर है ना, इसलिए इसको शुद्ध कह रही। बराबर है? मैं समझ गया कि समझ में नहीं आया, आपके चेहरे बता रहे हैं कि नहीं समझ में आया, तब मुझे देखोगे तो समझ में आ जाएगा। मैं दो दृष्टांत देता हूं आपको, पहले खराब सा दृष्टांत देता हूं, उससे काम नहीं चलेगा तो अच्छा भी दे दूंगा। आप लैट्रिन जाते हो? लैट्रिन सभी लोग जाते होंगे, तो लैट्रिन के हाथ शुद्ध कैसे करते हो आप? साबुन से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, डरो मत। तो अब अपन ने हाथ खराब थे सो टॉयलेट सॉप से सही कर लिए। अब मेरा प्रश्न है, टॉयलेट सॉप अब शुद्ध है कि अशुद्ध हो गई? अब बोलो, वो जो हाथ धोने की साबुन है वो शुद्ध हो गई कि अशुद्ध हो गई? अरे बोलो जल्दी। अब बड़ी मुश्किल है, यदि वो अशुद्ध हो गई तो अगली बार शुद्ध कैसे हो गए? क्या कमाल है, सारे लोगों के गंदे हाथ क्यों? कभी आपको ऐसा लगता है बच्चों ने हाथ धोए होंगे, अपन इसे नहीं धो रहे, फलाने बहू ने हाथ धोए होंगे, ससुर नहीं धोएगा, ऐसा लगता है? पंडित जी यही तो कमाल है साबुन का। कि सबके अशुद्ध हाथ लगने पर भी, क्या कमाल है, अशुद्ध हाथ लगने पर भी साबुन अशुद्ध नहीं होती, कमाल। देखो ऐसे ही सारी पर्यायों को निर्मल करने वाली आत्मा मलिन नहीं होती, सारी पर्यायों में विकार है, मोह राग द्वेष है, लेकिन मोह राग द्वेष तब नहीं टिकता जब इसका आश्रय करती है, तो ये शुद्ध रहे। तुम अशुद्ध अशुद्ध देखते हो या नहीं देखते, इसलिए कह रहे हैं शुद्ध है। मेरे तो मुझे तो बहुत पसंद है दृष्टांत, आपको समझे तो आगे होगा। चाहे जितनी पर्याय मलिन हो लेकिन ये मलिन नहीं होता, चाहे जितने हाथ धोए गए हो लेकिन सावन मलिन नहीं होती। ऐसे प्रत्येक आत्मा में उत्पाद व्यय वाला जो आत्मा है या मोह राग देश की ओर से देख रहे हो वो तो मलिन है, लेकिन मलिनता को दूर करने वाला भगवान आत्मा इधर है, वो तुम हो। मोह राग देश तुम्हें फीलिंग में आता है, कल रात के प्रवचन में कही थी ये बात, ये दिखता है संयोग दिखता है और मोह राग देश फीलिंग में आता है, लेकिन इसका तुम्हें न फीलिंग आती है न तुम्हें इसका निर्णय है न दिखाई देता है, इसलिए प्रवचन में इधर हिंट की जा रही है, इशारा किया जा रहा है, इसे देखो। आज के बाद तुम निश्चिंत क्यों कि ओ मैं ऐसा हूं, जो बताओ। एक दृष्टांत देता हूं आपको, दृष्टांत ही दे सकता हूं और तो कुछ नहीं। आपको पता है कैंसर की सबसे अच्छी दवाई कौन सी है? मानोगे नहीं, मत मानना कोई बात नहीं है, लेकिन है तो बोलो पंडित जी कौन सी है? हमें कैंसर मिटाने के लिए कहां जाना पड़ेगा? दिल्ली बंबई अमेरिका कहां जाना है? जल्दी बोलो। कहीं नहीं, अपने घर में ही है। ऐसे कैसे हमारे घर में? अरे है ना हल्दी, हल्दी वो तो हमारे घर में ही है। अब तुम्हें तो पता ही नहीं था कि हल्दी दुनिया की सबसे बढ़िया दवाई कैंसर की, लेकिन भरोसा नहीं आता। लेकिन अभी मैं आपको पढ़ा दू ना जो अमेरिका का लेख है इंटरनेट पर, तो आप ये दवाई हमारे घर में ये तो हम रोज खाते हैं, अरे बहुत बढ़िया एंटीवायरस है वो, उससे बढ़िया कोई चीज नहीं है दुनिया में। लेकिन मुझे ज्यादा नहीं कहना, मुझे तो
तो तुम्हें एकदम ओहो ये दवाई तो फिर हमारे घर में ही है, अब हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही सुनो, सम्यक दर्शन लेने कहाँ जाएंगे, सम्यक चाहत पालने कहाँ जाएं, 14 गुणस्थान करने कहाँ जाएं, समस्त विकार को धोने कहाँ जाएं, कि कहीं मत जा, तेरे अंतर में ही तेरा ध्रुव है। अब निर्विकल्प हो गए, बस अब निर्विकल्प हो गए, अब हमारा मन कहीं नहीं भाग रहा। अभी सुखी होने के नाम पर पैसे में भागता था, रोटी में भागता था, दुनियादारी में भागता था, अब हमें मालूम पड़ा हमारा सुख तो शांत हो गया। अब तो शुद्ध का मतलब समझ में आ गया कि और दूं दृष्टांत बोलो। आपने आम खाया है, खाया ही होगा, जल्दी बोलो, खाया है आम, खाया है? कैसा होता है जी? तो आप भेद विज्ञान करके कह रहे हो मीठा होता है, छिलके सहित खा के बताओ। नहीं समझ में, छिलका सहित खा के बताओ। आपने वो पिया है आम का पना, क्या बोलते हो, आम बॉईल कर देते ना आम फिर उसको बना दे, क्या कैरी पानी, और कैरी पानी से हमारे यहाँ पना बोलते थे इसको, तो कैरी पानी, तो कैरी पानी कैसा होता है कि पंडित जी? बहुत मीठा होता है, मीठा होता है कैरी पानी। अरे बोलो नहीं, कैरी पानी मीठा होता है, खट्टा होता है? वो तो गोल डाल देते हो, शक्कर डाल देते हो, इलायची डाल देते हो, उसे कोई डाल देते हो, तो ऐसे तुम मिक्स करते हो ना, तुम अपना प्रयोजन का साथ लेते हो। जी कहना है आम को साबुत खाया जाए तो ऐठाइना लगेगा, लेकिन छिलका हटा के खाते हो आप, ऐसे हम तुमसे कह रहे हैं। जब मिक्स आत्मा देखते ना, मोह राग द्वेष से मिक्स आत्मा, तो हमें दुखी आत्मा लगता है, रागी द्वेषी आत्मा लगता है, पापी आत्मा लगता है, लेकिन ये छिलके से रहित करो और मोह राग द्वेष से बिन्न देखो, भगवान आत्मा निर्मल अनुभव में आएगा, अब भी आएगा। निर्मल होना है कि करना है? निर्मल होना है कि करना है? बोलो जल्दी, होना है कि करना है? होना है कि करना है? अब देखो, जिनकी नजर इधर है वे कह रहे होना है, जिनकी नजर इधर है तो कह रहे करना है। लेकिन अब मैं अभी नहीं, अभी दृष्टांत देता हूं, वो टॉयलेट साबुन को शुद्ध करना है कि होना है? और टॉयलेट वाली साबुन उसे शुद्ध करना है कि होना है? ना करना है। आहा, कोई अद्भुत भगवान आत्मा इधर है जो शुद्ध ही है। अब मैं पढ़ता हूं, यद्यपि कर्म से आच्छादित है, यद्यपि कर्म से आच्छादित है, कौन? वो शुद्ध परमात्मा, अभी पढ़ा था ना शुद्ध परमात्मा, यद्यपि कर्मों से आच्छादित है तो भी वह वेद ज्ञानियों के इस देह में ही स्थित है। अज्ञानी को खबर नहीं है, भेद ज्ञान करने वालों को स्थित है। कैसा? अब जिन्हें बिलीव नहीं हो, तो ये जो अष्टपावड़ है ना, अष्टपावड़ ये दिल्ली का छपा हुआ है, दो ब्रह्मचारिणी बहने हैं उन्होंने संपादित किया है। मन मैं तो इसलिए जानबूझ के कह रहा हूं कि ना तो ये जयपुर से छपा है, ना ये सोनगढ़ से छपा है, ऐसा मैं जानबूझ कर इसलिए कह रहा हूं कि कहीं से छपा हो आप पढ़ना। गाथा नंबर मोक्ष पावड़ की 103 103 मोक्ष पावड़, देखो क्या लिख रहे, सर्व कर्म कलंक से रहित है। आप कैसे हो, कैसे हो? आवाज नहीं आ रही किसी की, असल में इधर से आवाज नहीं आ रही ना, नाभि से। छावड़ा जी कहते थे नाभि से आवाज नहीं आ रही, क्योंकि अभी ऐसा लग रहा है इसमें लिखा है, लेकिन ये तो मैच तो खाई नहीं रहा अपने से। यहां क्या लिख रहे हैं, सर्व कर्म कलंक से रहित है, तुम्हारी नजर इधर है या इधर है? भैया इसको, इन दोनों को नहीं कह रहे, इसको कह रहे हैं सर्व कर्म कलंक से रहित है, इसीलिए इसके ध्यान से कर्म कलंक रहित हो जाती है। कल बताए थे तीन प्रकार के आत्मा, ध्रोव्य आत्मा, उत्पाद व्यय वाला आत्मा, और एक संयोग की तरफ से कहा जाने वाला आत्मा, जिन्होंने कल पढ़ा है उन्हें पक्का हो गए बराबर है।
तो इस आत्मा की तारीफ कर रहे हैं बराबर। अब तो अब फिर से बोलो, कैसे हो आप, बोलो तो। सर्व कर्म कलंक, ओहो कर्म नहीं, कर्म के कलंक से भी रही थे। मैं समझा दूंगा, अभी घड़ी का टाइम हो रहा है इसलिए नहीं समझाऊंगा, शाम को ले लूंगा। सर्व कर्म कलंक से रही थे, एक बार सुन तो लो कम से कम, कान में गूंजे दिन भर। शाश्वत देव है, आपको शाश्वत देव का नाम मालूम है? अनंत भगवान शाश्वत देव नहीं है, सिद्ध भगवान शाश्वत देव नहीं है, इस विश्व में कोई भी शाश्वत देव नहीं है। क्यों नहीं है शाश्वत? क्योंकि वे बने हैं, अनंत दशा प्रकट हुई इसलिए शाश्वत नहीं कह सकते आप। सिद्ध दशा शाश्वत नहीं है क्योंकि सिद्ध दशा प्रकट हुई है। कुछ समझ में आ रहा है? इसकी तारीफ कर रहे हैं, इसकी मैंने तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं, तुम शाश्वत देव है। पंडित जी जी तो कोई ने लिख दी होगी, अमृतचंद स्वामी ने भी लिखा है, नित्यम कर्म कलंक पंक बिकलो, बिल्कुल धीरे गा रहा हूं, आपको अर्थ समझ में आ रहा होगा। नित्यम कर्म कलंक पंक, पंक कीचड़, बिकलो रहित, देव स्वयं शाश्वत, देव स्वयं शाश्वत। इतनी सरल संस्कृत, उन्हें तो खोल के पढ़ लेना आप समय साजी में, कलश 12 नंबर का कलश पढ़ लेना इसमें से, नित्यम कर्म कलंक पंक बिकलो, देव स्वयं शाश्वत। 1000 पुराने वर्ष पुराने आचार्य अमृतचंद स्वामी, उन्होंने लिखी है, इसमें भी लिख रहे देखो, और कैसा है शाश्वत देव है, और कैसा है, शाम को समझाएंगे, हो अभी तो पढ़ रहा हूं केवल। सत चैतन्य आनंदमयी है, सत सबका अर्थ शाम के करेंगे, चैतन्य आनंदमयी है, अनुभव गोचर तिष्ठता है, अनुभव में आ रहा है, तुम अनुभव करो आ रहा है, इसको भी समझाऊंगा। और उसी का ध्यान करके तीर्थंकर आदि भी मोक्ष पाते हैं, इसलिए ऐसा कहा है कि लोक में जो नम्न योग्य इंद्रादि हैं और ध्यान करने योग्य एवं स्तुति करने योग्य तीर्थंकर आदि हैं, वे भी जिसको नमस्कार करते हैं और जिसका ध्यान एवं स्तुति करते हैं, ऐसा जो कुछ वचन के अगोचर भेद ज्ञानियों के अनुभव गोचर पदार्थ परमात्मा वस्तु है, उसका स्वरूप जानो, उसको नमस्कार करो, उसका ध्यान करो, स्तवन करो, बाहर क्यों ढूंढते हो, ऐसा उपदेश है। समय हो गया इसलिए इसको तो मैंने पढ़ के सुनाया, लेकिन प्रूव करेंगे अभी। जिनको नहीं समझ में आया हो, मैं जानता हूं अभी नहीं आया होगा समझ में, तो आना आप, मैं प्रूव करूंगा। एक बात तो ये रही, समय सार जी का मैंने प्रॉमिस किया था, उसके लिए सॉरी बोल रहा हूं, क्योंकि एक भाई अपने हाथ में ग्रंथ लिए एक घंटे से प्रतीक्षा कर रही है, समझो। मैंने जो लोग लाए हैं वे सचमुच बधाई के पात्र हैं, मैं उन्हें जरूर ये कहूंगा कि भी 49 नंबर की गाथा खोल के अभी 5 मिनट पढ़ के जाएं, जो मैंने इसमें कहा उसमें भी लिखा है। यदि समय होता ना तो मैं अभी ग्रंथ खोल के बताता आपको, इसी समय सार जी में से। हाँ, जब मांगलिक होता है ना, मांगलिक तो बाजे बजते हैं, ये मांगलिक है। पेज नंबर 96, इसमें 96 है, और 35 नंबर का जो कलश है उसके पहले का अंतिम पैराग्राफ, कलश नंबर 35 के पहले अंतिम पैराग्राफ टीका का है, अपने अनुभव में आने वाले, मिला सबको, अपने अनुभव में आने वाले, मिल गया, मिल गया। बहुत प्यारी भाषा है, एकदम नाचने जैसी भाषा है। अपने अनुभव में आने वाले चेतना गुण के द्वारा, चेतना गुण के द्वारा, जिसका वर्णन शाम को करूंगा,
अंतरंग में प्रकाशमान है इसलिए चेतना गुण वाला है। आत्मा सदा ज्ञाता दृष्टा है, ज्ञान दर्शन का जानन 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 फीलिंग सदा चल रही है। वह चेतना समस्त गुण, वह चेतना गुण समस्त विप्रतिपत्तियों को जीव को अन्य प्रकार से मानने रूप झगड़ों को नाश करने वाला है। जैसे आप चेतना का अनुभव करोगे ना, तो जितनी प्रकार की चेतना की मान्यता है कि मैं खाता हूँ, पीता हूँ, कमाता हूँ, रागी हूँ, द्वेषी हूँ, ये सारी विप्रतिपत्तियों माने झगड़ों को नष्ट कर देने वाला है। अगला, जिसने अपना उंगली समझ रहे हो, जिसने अपना सर्वस्व भेद ज्ञानी जीवों को सौंप दिया है, जिन्होंने भेद विज्ञान किया है उनको सम्यक दर्शन से लेकर केवल ज्ञान तक सर्वस्व सौंप दिया है। कितना बढ़िया चेतना गुण है तुम्हारा, ये चेतना गुण कितना बढ़िया है, लीडिंग है, लीडिंग लीड करने वाला, तुम्हें आत्मा की अनंत शक्ति, अनंत गुण, अनंत शुद्ध निर्मल पर्याय सब कुछ दिलाने वाला है। भाषा कितनी सुंदर है, जिसने अपना सर्वस्व भेद ज्ञानियों को, तुम्हें आत्मा का सर्वस्व चाहिए, रत्नत्र चाहिए, प्रतिमा चाहिए, मुनि दशा चाहिए, केवल ज्ञान चाहिए, मोक्ष चाहिए, सुनो इस चेतना गुण को जानो, ये अपना सर्वस्व भेद ज्ञानियों को सौंप देता है। कैसी प्यारी टीका लिखी, देखो आप आगे, जो समस्त लोका लोक को ग्रासी भूत करके मने जान करके मानो अत्यंत तृप्ति से उपशांत हो गया, इस प्रकार सर्व काल में किंचित मात्र भी चलायमान नहीं होता, एक घंटे के प्रवचन का सार, किंचित भी चलायमान नहीं होता जिसने इसको जाना, इस तरह सदा लेस मात्र भी नहीं चलित अन्य द्रव्य से असाधारणता होने से स्वभावभूत है। ऐसा चैतन्य रूप, ऐसा नहीं मिले, चलो बाद में देख लेना, ऐसा चैतन्य रूप परमार्थ स्वरूप जीव, आज परमार्थ पढ़ाए ना, परमार्थ स्वरूप जीव है जिसका प्रकाश निर्मल है, ऐसा यह भगवान, इसमें भी लिखा है भगवान, ऐसा यह भगवान इस लोक में एक टंकोत्कीर्ण भिन्न ज्योति रूप विराजमान है। अब इसका भाव भी, और वो कल गाथा 103 अष्टपावड की छठे अध्याय, दोनों को मैं शाम को समझाऊंगा। ओम नमः शिवाय।